वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माई क्लासेस, जेडी क्लासेस। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर। मैं आपके लिए फिर से एक बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। ये मोनेरा का ही मेंबर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नीट के लिए सभी बायोलॉजी के रेलेवेंट टॉपिक लेकर के हमेशा आता रहता हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि बच्चों को बायोलॉजी की एग्जॉस्टिव वे में प्रिपरेशन करवाई जा सके, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। सो हम साइनोबैक्टीरिया स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, अब इसे एल्गी क्यों कहा जाता है? एल्गी तो एक तरह के प्लांट होते हैं। एल्गी यूकैरियोटिक सेल से होते हैं। पहले साइंटिस्टों को पता नहीं था, और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ना होने की वजह से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस नहीं पता था। साइंटिस्टों ने इसको इस जानकारी की कमी की वजह से प्लांट के साथ ही रख दिया, एल्गी के साथ ही रख दिया, इसलिए इसे एल्गी कहा जाता था। लेकिन जब डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, यूकैरियोट प्रोकैरियोट अलग किए गए, तो उस समय हमने इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा, और जिसे कि आप कहते हैं मोनेरा। तो मोनेरा के अंडर ही हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के भाई हैं, इनके ही रिलेटिव हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से पहले पैदा हुए। तो क्या वो टाइम पीरियड था जब साइनोबैक्टीरिया पैदा हुए? साइनोबैक्टीरिया दे अपीयर ऑन द अर्थ एट 3 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये 3 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया के आने के बाद ही इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आई और ये एनवायरनमेंट एरोबिक बना। इसके पहले एनारोबिक एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, जिसमें कि एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। इसलिए बैक्टीरिया को ही क्रेडिट जाता है ऑक्सीजन को पैदा करने का। तो ये जो ग्रीन बैक्टीरिया थे, इनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी थी। तो साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली एक तरह के वो बैक्टीरिया हैं, अगर मैं कहा जाए तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। प्लीज उसको रेफर कीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, सो दे अपीयर्ड ऑन द अर्थ 3 बिलियन ईयर्स एगो, और इन्होंने क्या स्टार्ट किया? दे स्टार्टेड ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस। दे स्टार्टेड ऑक्सीजेनिक फोटोसेंथेसिस। तो इन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस स्टार्ट किया, और जिससे कि ऑक्सीजेनिक मींस ऐसी फोटोसेंसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो आप मेरे से ये पूछना चाहेंगे, क्या ऐसी भी कोई फोटोसेंसिस होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती? हाँ बिल्कुल, हमारे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एनाक्सीजेनिक फोटोसेंसिस करते हैं। अब इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा प्लांट फिजियोलॉजी तक। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसेंसिस के चैप्टर में मैं आपको ऐसी भी फोटोसेंसिस के बारे में डिटेल में बताऊंगा जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, और अगर नहीं होती तो क्या होती है, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कौन करता है। इन्हीं सब टॉपिक्स के लिए प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। अब देखिए, इसमें से ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे फोटोसेंसिस करने में कैपेबल हैं, तो इन्हें हम ग्रीन बैक्टीरिया भी, ये ग्रीन ब्लू, आप ये मत समझिएगा सिर्फ ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं, ये पर्पल भी होते हैं, ब्लूइश भी होते हैं, और बहुत टाइप के होते हैं। ये जितने बैक्टीरिया होते हैं इनमें अब अगर फोटोसेंसिस की कैपेबिलिटी है तो कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, कैरेटोनाइड्स पाए जाते हैं, और फाइकोबिलिंस पाए जाते हैं। तो पिगमेंट अगर आपसे पूछा जाए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिगमेंट कई बार पूछे गए, तो इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फाइको बिलिंस पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फाइको बिलिंस मौजूद होते हैं, और दूसरे कैरेटोनॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये तीनों पिगमेंट पाए जाते हैं, और तीनों पिगमेंट मिल करके इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं, और यही फोटोसेंसिस करने का काम करते हैं। आप प्लीज नोट डाउन करिएगा कि दे आर दी ग्रीन बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो एल्गी में भी पाया जाता है, और एल्गी के साथ साथ में ग्रीन प्लांट्स में भी पाया जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, तो
अगर आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, इनफैक्ट कई बारी साइंस ऑप्शनल जो लोग लेकर के रखते हैं यूपीएससी में उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया कि रेड सी का कलर रेड किसकी वजह से है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म की वजह से है, कई बार ये पूछा गया कि किस बैक्टीरिया की वजह से, किस एल्गी की वजह से, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम। तो ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम एक बैक्टीरिया है, ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम की वजह से ही रेड सी का कलर रेड होता है, तो रेड सी इज ऑफ रेड कलर। तो ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम की वजह से ये रेड सी रेड कलर का हमें दिखाई देता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया की वजह से रेड होता है, ये रेड सी को रेड कलर इंपार्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरिया की सेलुलर स्ट्रक्चर में। यहाँ पर बैक्टीरिया में बाहर की तरफ जो एक जेली लाइक कवर आपको दिखाई दे रहा है, ये साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का एक डिटेल्ड डायग्राम है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। यहाँ पर जो जेली लाइक कवर दिखाई दे रहा है ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट से, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बैक्टीरिया जैसा ही कॉम्पोजिशन होता है, इट इज मेड अप ऑफ ए टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड, उसको हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलेक्स से बना होता है, सेल वॉल का भी कॉम्पोजिशन बैक्टीरिया ही जैसा होता है, ये कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है और इसका कॉम्पोजिशन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाई लेयर ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन और बहुत लिटिल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इससे मिलकर के बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका डीएनए भी सर्कुलर डीएनए होता है, तो सर्कुलर डीएनए सिंगल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, इसके अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और डीएनए जिस पार्ट में पाया जाता है उस पार्ट को हम लोग सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियाइड कहते हैं, नोट करेंगे, उसको हम सेंट्रोप्लाज्म जिस पार्ट में पाया जाता है या न्यूक्लियोइड टर्म का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जो सॉल और जेल की स्टेट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है जो नॉर्मल बैक्टीरिया से इनको डिफरेंट करता है। इनके अंदर थैलाकोइड्स पाए जाते हैं, इन थैलाकोइड्स को क्रोमेटोफोर भी कहा जाता है। इन क्रोमेटोफोर में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यही ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं इन्हें फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनमें बाकी के पिगमेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं, यहां पर कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं जो कि फूड रिजर्व के फॉर्म में फंक्शन करती हैं और बैक्टीरिया को फूड रिजर्व प्रोवाइड कराती हैं। प्रोटीन के कुछ क्रिस्टल पाए जाते हैं, पॉलीसेक्राइड के कुछ रिजर्व पाए जाते हैं, कुछ गैक्स वैक्यूल्स पाई जाती हैं, ये छोटी छोटी वैक्यूल से मिलकर के बनी होती है जिन्हें हम स्यूडोवैक्यूल्स कहते हैं। ये वैक्यूल इन्हें बायोन्सी प्रोवाइड कराती है, बायोन्सी मतलब ये सी में या फिर किसी लेक में या पॉन्ड में ये अपने आप को फ्लोट कर पाते हैं, तैर कर पाते हैं, जिससे कि ऑप्टिमम अमाउंट में सनलाइट मिल सके और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। कुछ बैक्टीरिया इसके लिए एग्जांपल के लिए आते हैं। अब देखिए, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोनेरा जितने भी होते हैं दे ऑल आर यूनिसेलुलर। तो आप कहेंगे कि भाई फिर बहुत सारी सेल इकट्ठा हो गई, इसे मल्टीसेलुलर क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, इसे मल्टीसेलुलर टर्म नहीं यूज किया जाएगा। ये नॉस्टॉक की एक कॉलोनी है। नॉस्टॉक एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है जो कि राइस फील्ड में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करता है। नॉस्टॉक के ऊपर यहां पर एक म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है, बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह पूछा जाता है। हेट्रोसिस्ट जो होती हैं इनकी सबसे खास बात क्या होती है? दे आर परमेबल फॉर नाइट्रोजन बट दे आर इम्परमेबल फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनके अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से इनके अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले पार्ट में आगे चल के फिजियोलॉजी में कवर करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक एनवायरमेंट में कैसे होता है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो इसमें थैलाकोइड्स पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, हेट्रोसिस जो होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करती हैं। तो आखिरी में कंक्लूड करना चाहूंगा कि आपके जो साइनोबैक्टीरिया थे इन्होंने ही इस अर्थ में ऑक्सीजन को जनरेट किया, एरोबिक एनवायरमेंट बनाया, जिससे कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट एरोबिक में कन्वर्ट हुआ और बाकी के जितने सारे ऑक्सीजन लेने वाले या यूं कहें ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो डेवलप हुए। तो ऑक्सीजन को
पैदा करने का क्रेडिट या श्रेय साइनोबैक्टीरिया को जाता है। सो थैंक यू गैस वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा टॉपिक रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट लगा हो, अगर यह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा एक जो मिशन है, मेरा मिशन है कि उन बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए हु आर डिप्राइव्ड फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन वॉचिंग मी।